मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हो यार। क्योंकि धोखा दिया आप लोगों ने। अच्छा, निमरा से ये कहा था कि मेरी हेल्प के लिए दुकान गिरवी रखवा दें और सारा पैसा खुद दबा कर बैठ गए। जानते हो किस लिए किया ये? इसलिए कि पता चल गया है कि तू और तेरी वो जो दूसरी बीवी है ना सना, हमें तो सड़क पे ले आएंगे। तुम दोनों की आंखों में अपने लिए बेगानगी देखी है मैंने। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बीवी की प्रॉपर्टी पर और उसके पैसों पर आपका कोई हक नहीं है। हम कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तू करेगा कानूनी कार्रवाई? अबे तेरी हैसियत औकात क्या है? अभी जाकर मैंने निमरा को बता दिया ना सब कुछ, तो सोच तेरे साथ क्या होगा। क्या छुपाया आप लोगों ने उनसे? आए, चल तू अंदर। तू कहां से आ गया? तेरा को तुक बनता बड़ों की बात में बोलने का? बस ये तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ों के मामलात में बच्चे नहीं बोलते। जाओ यहाँ से। आप लोग निमरा बाजी के साथ जो कुछ कर रहे हैं ना गलत है, पछताएंगे आप लोग। और याद रखिएगा, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। वो तू जाता है या उठूं मैं? चल निकल। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूं। रखें अपनी चहेती निमरा को सारी उम्र अपने पास।